गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इसमें हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आज हमारा है थर्ड टाइप, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन का जनरल सा मतलब हिंदी में मतलब होता है विस्थापन का एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, मतलब किसी एक वस्तु को उसकी जगह से हटा देना, उसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, अब इसकी परिभाषा क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व उसको उसकी जगह से कोई दूसरा तत्व उसको हटा देता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पे आ जाता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक बात याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया में जो एक तत्व दूसरे तत्व को हटाएगा उसकी जगह से, वो तत्व उससे अधिक क्रियाशील होता है। मतलब क्या, मान लो जनरली अगर देखें तो जो ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो आदमी किसी दूसरे कमज़ोर आदमी को उसकी जगह से हटा देता है। वो बोलते भी है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात है। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया करने से पहले ये जो दी गई है, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी को याद करना आवश्यक है, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा तत्व किससे अधिक क्रियाशील है। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे पोटासियम लिखा है, ये पोटासियम, ये इसका प्रतीक है। पोटासियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, उससे कम कौन सा है, सोडियम, उससे कम कौन सा है, कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। मतलब ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता घटेगी। ये क्रियाशीलता श्रेणी ये चैप्टर नंबर 3 में आएंगे, धातु और अधातु वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सक्रियता श्रेणी आएगी। तो सबसे ऊपर लिखी हुई धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्रियाशीलता घटती है। तो पोटासियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, और सोना जो है, गोल्ड जो है, सबसे कम क्रियाशील है। मतलब ये बहुत कम क्रिया करती है, ये इतनी अधिक क्रियाशील है कि हम इसको वायु में खुला भी नहीं रख सकते। इसको रखने के लिए इसको हम पानी में, सॉरी, इसको तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटासियम सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, ये इतनी अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि अगर हम इनको खुले में रखेंगे तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इतनी अधिक क्रियाशील होती है। और सोना जो होता है, सोना बहुत कम क्रियाशील है, न के बराबर है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इनका, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों, जब भी हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें एक तत्व दूसरे को उसके स्थान से विस्थापित करता है, और विस्थापित होने वाला तत्व जो विस्थापित करता है उससे कम क्रियाशील होगा। और अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, कॉपर बहुत जनरल सा एक एग्जाम्पल है, जो छोटी क्लासेज में भी हम पढ़ते हैं, कि कॉपर सल्फेट लो। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल आते हैं, उसका विलयन लेना है। मतलब क्या, कॉपर सल्फेट को पानी में घोल लो तो एक नीले रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा। उस नीले रंग के विलयन को आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब में लेना है, 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसके अंदर एक लोहे की कील डाल दी, अच्छे से साफ करके लोहे की कील को डालना है, 2-3 घंटे तक उसको रखा रहने दो। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हमने लिया विलयन, तो मैंने एक्वस लिखा, इसमें हमने डाला क्या, Fe, आयरन की कील डाली ना लोहे की, और लोहे का प्रतीक होता है Fe, ये होता है सोलिड, ये डाल दिया। तो 2-3 घंटे रखे होने के बाद मैंने बताया कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीले रंग का होता है, तो ब्लू कलर का होएगा ये। जब 2-3 घंटे के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो इसमें ये विलयन नीले कलर के बजाय ग्रीनिश कलर का मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा हरा सा मिलेगा, पूरा ग्रीन तो नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा हरा हरा सा दिखाई देगा। अब इसका मतलब है, जब उसका कलर ही बदल गया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जहाँ भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में परिवर्तन आता है, इसका मतलब इसमें कोई अभिक्रिया हो चुकी है। वो अभिक्रिया क्या है,
जो ये कॉपर सल्फेट था इसमें आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और बनेगा FeSO4। ये विलयन बनेगा, एक क्यों लिखेंगे, और साथ में जो ये कॉपर था ये बाहर निकल गया सॉलिड। देखो इसमें हुआ क्या, इसमें अधिक क्रियाशील आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया। ये जो हमने विलयन लिया था इस टेस्ट ट्यूब में, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, फिर हमने इसमें डाला था लोहे की कील, तो लोहे की कील में जो लोह तत्व था उसने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया, तो बना क्या FeSO4 आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट में कल ही वीडियो में बताया था आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीनिश, ये ग्रीनिश ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए जब इसमें आयरन सल्फेट बन जाएगा तो टेस्ट ट्यूब जो रंग है वो परिवर्तित होकर हरा हो जाएगा और इसके ऊपर जो लोहे की कील जो हमने डाली थी इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक परत जम जाएगी, वो ब्राउन कलर की परत किसकी होगी, वो होगी कॉपर की, ठीक है, कॉपर मेटल की। अब इस आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित क्यों किया, क्योंकि हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में देखेंगे, देखो इसमें यहाँ आयरन है और कॉपर यहाँ है, इसका मतलब है आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो आयरन ने कॉपर को उसके जगह से विस्थापित कर दिया। क्रियाशील का मतलब समझ लो उसकी पावर अधिक है, तो उसने कमजोर को उसकी जगह से हटा दिया। दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, हम लेते हैं कॉपर क्लोराइड का CuCl2, विलयन ले लिया और हमने इसमें डाल दिया क्या, लेड डाल दिया सीसा, ये सॉलिड, तो अब देखेंगे, देखो ये कॉपर है ये लेड है। सक्रियता श्रेणी अगर आप लोगों को याद है तो पता चल जाएगा, ये देखो ये लेड है और ये कॉपर, कॉपर का विलयन उसमें हमने डाला लेड, तो कॉपर नीचे है लेड ऊपर है, इसका मतलब है लेड अधिक क्रियाशील है, तो वो उसके विलयन को इसमें से, इस विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो बनेगा क्या PbCl2 4 कॉपर बाहर निकल जाएगा भी, ठीक है, ये होगा, तो PbCl ये एक्वस बनेगा और ये सॉलिड बनेगा, ये बात याद रखना। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे हम थर्ड चैप्टर में ही पढ़ेंगे धातु की अम्ल से अभिक्रिया, कोई भी धातु लिए हमें जैसे Mg मैग्नीशियम सॉलिड, इसकी किसी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे HCl एक्वस होता है ये भी, इस इन दोनों में से, अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ है ये रहा, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ है ये रहा, इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर देगी, तो MgCl2 ये बनेगा और निकल जाएगी क्या, हाइड्रोजन गैस, तो ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो MgCl2 ठीक है, यहाँ 2Mg और यहाँ आ जाएगा, तो ये होगी भाई संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई और एग्जांपल सोडियम की, जैसे सोडियम को हमने, सोडियम सॉलिड इसको पानी में डाल दिया हमने, ठीक है, लिक्विड क्या होएगा, NaOH+H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया था मैंने वीडियो में कि ये बहुत आसान है, इनकी परिभाषाएं तो बहुत ही आसान है, सभी की परिभाषाएं इनके नाम में छिपी हुई है, संयोजन मतलब दो चीजों का जुड़ना, वियोजन मतलब एक चीज का टूटना, विस्थापन मतलब किसी एक तत्व द्वारा किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देना, बस हमें ये देखना है कि कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है, क्योंकि अगर हम हमें उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो हम ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा आ जाता है कि कोई एक सॉल्यूशन दे दिया, उसने इसका इस रिएक्शन का उल्टा दे दिया, आयरन सल्फेट FeSO4 AuCl प्लस इसमें हमने डाल दिया कॉपर, तो बताओ क्या बनेगा, इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर आयरन को उसकी जगह से विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। देखो ज्यादातर तो हम क्या करते हैं,
विस्थापन अभिक्रिया में एक जो पदार्थ है ये विलयन के रूप में है, फिर उसमें ठोस डालते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक एक पदार्थ विलयन ही हो। ये अभिक्रिया दो ठोस के बीच में भी हो सकती है। कैसे, हम उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम आयरन ऑक्साइड है आप लोगों के पास Fe2O3, ये सोलिड, इसमें हमने डाल दिया है एल्यूमिनियम धातु, डाल दी हुई एल्यूमिनियम, ये भी सोलिड है, ये भी सोलिड है, तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, वो क्या बनेगा, Al2O3। देखो एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है इससे आयरन से, सक्रियता श्रेणी में देख लेंगे ये एल्यूमिनियम है और ये आयरन है, एल्यूमिनियम ऊपर है तो अधिक क्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम आयरन को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सूत्र, जिस ऑक्साइड का जो सूत्र है, सूत्र वही बनेगा। ये नहीं होता कि एल्यूमिनियम यहाँ पे उठा के इस ऑक्सीजन के साथ रख दिया, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम के साथ तीन ऑक्सीजन जोड़ दी, नहीं, जिसका जो सूत्र है, जैसे आयरन ऑक्साइड का जो सूत्र है वही बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र है वो हमने बनाना है, ठीक है। वो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सूत्र में दो ऑक्सीजन होती तो यहाँ दो लिखना पड़ता, वो संतुलित करते टाइम फिर संतुलित करनी पड़ती है, लेकिन सूत्र को हमेशा ठीक लिखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम आयरन को यहाँ से हटा दिया तो क्या बना भाई, आयरन बाहर निकल जाएगा, 2Fe, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये जो अभिक्रिया है जो मैंने लिखी है, ये अभिक्रिया, इसमें इस अभिक्रिया में इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि जो ये आयरन निकलता है ये हमें पिघली हुई अवस्था में मिलता है, मतलब लिक्विड स्टेट में आयरन प्राप्त होता है, इतनी ज्यादा इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है इस अभिक्रिया में, इसलिए इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम रेलवे लाइन की टूटी पटरियों को जोड़ने में करते हैं। कई बार रेलवे जो रेल की पटरी है वो टूट जाती है तो उसकी क्रैक पड़ जाता है, उस क्रैक को भरने के लिए हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। अत्यधिक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा बहुत अधिक निकलती है। तो ये तो थी भाई विस्थापन अभिक्रिया। ज्यादातर पेपर में जो आते हैं वो हमेशा ही आएंगे उदाहरण अभिक्रियाओं के, उदाहरण अधिक आते हैं, परिभाषाएं कम आती हैं, तो उदाहरण हमने अधिक से अधिक पढ़ने हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की, हमारी होगी तीन, संयोजन वियोजन विस्थापन, अब आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो जो विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब एकल विस्थापन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक तत्व विस्थापित होता है अपनी जगह से। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो तत्व विस्थापित होंगे एक साथ, या फिर ये कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण लेके चलते हैं हम, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। एक और बात याद रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकारक लेंगे हम, दो अभिकारक, ये दोनों ही विलयन के रूप में होते हैं, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम केस में ऐसा ही मिलेगा कि दोनों एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही होंगे। तो हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हो गया भी एक्वस, इसमें हमने मिला दिया क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला दिया तो एक्वस, तो बनेगा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या आयनों का आदान प्रदान, देखो इस अभिक्रिया में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आयन है Ag+ और NO3-, यहाँ पे भी दो आयन है Na+ और Cl-। तो क्या होगा, ये Ag वाला Ag+ इस क्लोराइड आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब AgCl, ये प्लस है ना, प्लस प्लस वाला तो माइनस की तरफ जाएगा, तो Ag और क्लोराइड आयन जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा क्या, AgCl, क्या बनेगा AgCl, और
जो NO3 नेगेटिव है वो जाएगा Na प्लस के साथ, क्योंकि ये माइनस है तो इसके प्लस बढ़ेगा साथ, तो साथ में Na NO3 ये होगा विलयन के रूप में, और ये जो बनेगा ये बनता है सॉलिड। अब शेप बनते हैं इसके, कल भी हम मैंने एक दो रिएक्शन में ये बताया था अवक्षेप बनना क्या होता है। देखो जब भी कोई दो विलयन हम मिलाएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, 3 ml सिल्वर नाइट्रेट, फिर हमने डाल दिया प्लस 3 ml सोडियम क्लोराइड, तो थोड़ी देर के बाद जब इनके बीच में अभिक्रिया हो जाएगी तो नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक ठोस पदार्थ मिलेगा, नीचे जमा हुआ मिलेगा, उसको कहेंगे हम अवक्षेप। वो अवक्षेप किसके होंगे, वो होंगे सिल्वर क्लोराइड के, क्यों, क्योंकि हमने इसमें डाला था AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और साथ में डाला था सोडियम क्लोराइड NaCl, तो दोनों अभिक्रियाएं करेंगे, साथ में नीचे एक ठोस पदार्थ जम जाएगा, नीचे इसकी नीचे सतह पे बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है। कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये भी एक्वस घोल ले लिया, और हमने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये भी घोल ले लिया। मैंने बताया इसमें ज्यादातर दो जो अभिकारक होंगे वो विलयन के रूप में होंगे, तो ये भी एक विलयन, ये भी एक विलयन, दोनों के बीच में अभिक्रियाएं होंगी, आयनों का आदान प्रदान होगा Cu+ इसके नेगेटिव के साथ CuS, मतलब S नेगेटिव है इसमें, H+ है इसमें, Cu+ है और SO4 नेगेटिव है, तो इसका प्लस इसके माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CuS, और साथ में बनेगा अब ये SO4 जाएगा इसके साथ, तो H2SO4, बात समझ में आ रही है, तो ये बनेगा सॉलिड और ये बनेगा एक्वस विलयन। ठीक है भाई, जैसे इसमें था तो एक एक पदार्थ नीचे बैठ जाएगा और जो विलयन होगा वो ऊपर रह जाएगा, ऐसे इसमें हो जाएगा, इस अभिक्रिया में CuS के अवक्षेप बन जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा और विलयन में रह जाएगा H2SO4। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन क्यों, क्योंकि इसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है भाई, देखो ठीक है, इसका एक का फिर दूसरे का भी हुआ, तो दो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और एग्जांपल लेके चलते हैं AlCl3 एक्वस प्लस और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH। देखो Al प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस होता है एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन माइनस होता है, ठीक है, NH4 प्लस प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो इसका जो प्लस है वो जाएगा इसके साथ। अब देखो मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि उठा के यूं का यूं रख दिया, वो सूत्र जो होता है वो एग्जैक्ट सूत्र लिखना पड़ता है, जैसे Al और OH, ऐसा नहीं कि Al और OH ऐसे ही उठा के रख दिया, ये सूत्र ठीक नहीं है, तो बनेगा क्या Al OH3, ये सूत्र बनेगा Al OH3, तो Al और OH बाकी जो बच गया NH4 Cl, ठीक है, ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा सॉलिड S और ये बन जाएगा एक्वस गोल्ड। संतुलित नहीं है, और संतुलित है, संतुलित आप लोगों ने इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना खुद से। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम नेक्स्ट, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3P2, लेड नाइट्रेट ले लिया, इसका विलयन है आप लोगों के पास, इसमें हमने मिलाया पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, ये पेपर में आता है, और तो क्या बनेगा आप देखो, इसके माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ जुड़ेगा और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, तो पी बी और आयोडाइड आयन जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा पी बी आई टू, ठीक है, पी बी आई टू मतलब
लेड आयोडाइड और बन जाएगा KNO3, मतलब इसका प्लस और इसका माइनस KNO3। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दो आ जाएगा और यहाँ पे दो आ जाएगा। अब देख लेना ये संतुलित होगी, तो ये बन जाएगा सॉलिड ठोस और ये है विलयन एक्वस। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का एक तरीका तो यही है कि उसमें कोई ना कोई ठोस पदार्थ बनता है जिसको अवक्षेप कहते हैं। जो जुड़ने वाले होंगे वो दोनों विलयन होंगे और बनने वाला जो होगा कोई ना कोई अवक्षेप अवश्य होगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक पहचान है भाई। एक अभिक्रिया आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही कॉमन है, NaOH, ये एक्वस घोल है, प्लस HCl, ये भी घोल है। ये देखो Na और Na प्लस होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो NaCl घोल बनेगा, प्लस में ये OH और H2O ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखो ये होता है सारक मतलब बेस और ये होता है एसिड, तो एसिड और बेस की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, तो ये बात याद रखना। ये थी हुई द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल पेपर में जरूर पूछते हैं हर साल, तो इसको याद रखना। अब नेक्स्ट है, लास्ट हमारी उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। देखो एक थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब होता है किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। मैं बता देता हूं, उपचयन किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, उपचयन। और अपचयन उल्टा होगा, इसमें होगा हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। तो किसी रिएक्शन में, अब देखो उपचयन को बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो इनको मिला के उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक ही अभिक्रिया में होती है, एक ही समीकरण के अंदर देखने को मिलेगा कि किसी तत्व का उपचयन हो रहा है, किसी तत्व का अपचयन हो रहा है। तो इन दोनों को मिला के कंबाइन करके इनका एक ही नाम रख दिया, क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, रिडक्शन से आर ई ले लिया, आर ई डी ले लिया, और ऑक्सीडेशन से ओ एक्स ले लिया, तो बन गई ये रिडॉक्स रिएक्शन। पेपर में अगर आएगा इनमें से तो ये कोई समीकरण दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें किस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। जैसे हम लेते हैं एक उदाहरण, Cu कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, तो बना कॉपर ऑक्साइड, कंकाली समीकरण है। अभी मैंने इसको संतुलित नहीं किया, संतुलित करेंगे तो ये आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर को ले और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो हमें एक ब्लैक सा पदार्थ प्राप्त होता है, ब्लैक सा पदार्थ प्राप्त होएगा। इस ब्लैक पदार्थ को हम दोबारा से अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म कर दें, जैसे कॉपर ऑक्साइड लिया, इसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया दोबारा से, तो हमें Cu प्लस H2O दोबारा से एक ब्राउन कलर का पदार्थ प्राप्त होगा, और ब्राउन कलर का क्या होगा, कॉपर होगा। अब देखो ये भी रिएक्शन आ चुकी है पेपर में, उसने घुमा फिरा के उसने पूछा कि कोई तत्व हमने लिया और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो कोई पदार्थ काले रंग का बना, तो वो पदार्थ जो बना उसका सूत्र क्या है और वो पदार्थ का नाम क्या है।
तो वो यही था, एक बुरे रंग के पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो ब्लैक पदार्थ बनता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड। जब उस कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को दोबारा गुजारा जाता है तो वो काले रंग का पदार्थ दोबारा से भूरे रंग का हो जाएगा, ब्राउन रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से उसमें कॉपर बन जाएगा, मतलब वापिस वही रिएक्शन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब देखो इस अभिक्रिया में देखते हैं हम, कॉपर जो था, कॉपर मैंने बताया उपचयन किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है तो कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन अपने आप इसमें रिडक्शन हुआ, ये मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही उपचयन नहीं होता, किसी तत्व में कोई धात्विक पदार्थ जुड़ना वो जो होता है वो भी वो अपचयन होता है। किसी तत्व में धात्विक पदार्थ का जुड़ना अपचयन और किसी तत्व में अधात्विक पदार्थ का जुड़ना होता उपचयन, वो हम पढ़ेंगे, मैं बाद में बता दूंगा, जनरल सा बता रहा हूँ अभी कि किसी तत्व में ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, उपचयन किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है, ये बात याद रखना। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन गई है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो अपचयन, तो अपचयन किसका हुआ और उपचयन किसका हुआ, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है तो इस यहाँ हुआ उपचयन। एक बात याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन होता है इनमें। कॉपर ऑक्साइड जिसमें से जिसमें कोई चीज जुड़ती है या जिसमें से कोई चीज निकलती है उन्हीं का उपचयन या अपचयन होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इसमें से ऑक्सीजन गई है तो अपचयन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। H2 के अंदर जुड़ी है ऑक्सीजन तो H2 का क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है भाई, ये इतनी सी बात याद रखना, अपचयन उपचयन अभिक्रिया अभी और भी है, मैं फिलहाल ये इतने छोड़ रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा कंसेप्ट है ये, मैं और एक और वीडियो बनाऊंगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो भाई फिलहाल के लिए इन सारी अभिक्रियाओं को पढ़ना है कि भाई बात है पढ़नी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, खुद से बुक उठा के देखो और उसको पढ़ो तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। थैंक यू।